5 सेकेंड, 2 सेकेंड, रेडी। महोदय, समाज के दो भागों में विभाजन की प्रक्रिया जिसमें मात्र थोड़े से लोग नई आर्थिक नीति के तहत दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं और बाकी के लोग लगातार भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं, यह सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि यह सिलसिला गांवों में भी देखा जा सकता है। आज विश्व में जहां कुछ विकासशील देश नए औद्योगिक देशों का रूप धारण कर रहे हैं, वहीं भारत जैसे कुछ देश नए कृषिरत देश का रूप अपना रहे हैं। इन नए कृषिरत देशों का मुख्य काम यही रहा है कि विकसित देशों को सजावट के लिए फल फूल और दुर्लभ कृषि उत्पादन निर्यात कर उन देशों से खाद्यान्न आयात करना। नई आर्थिक नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संभव हो सकने के लिए यह जरूरी है कि कृषि भूमि के इस्तेमाल किए जाने का तरीका ही बदल दिया जाए, क्योंकि खेती किस चीज़ की होगी यह बात भूस्वामी की हैसियत से तय की जानी चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि बदलते उत्पादन को संभव बनाने के लिए जमीन स्वामित्व में बदलाव लाया जाए, कृषि के लिए जरूरी सामान दिए जाने वाले अनुदान में कमी, भू स्वामित्व की सीमा का अंत और निजी पूंजी को खेती का स्वामित्व दिया जाना कुछ ऐसे कदम हैं जिनके जरिए भू स्वामित्व में बदलाव लाया जा रहा है। मेरठ जिले में जमीन की बिक्री पर किए गए एक छोटे से अध्ययन से पता चलता है कि स्वामित्व इस प्रकार से बदल रहा है कि जिससे निर्यात के लिए उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। इस अध्ययन के अनुसार मेरठ में सीमांत और मध्यम किसानों की संख्या तो कम हो गई है पर छोटे बड़े दोनों ही तबकों के किसानों की संख्या बढ़ गई है। सीमांत किसान अपनी जमीन से वंचित होकर खेतिहर मजदूरों की श्रेणी में आ गए और कई मध्यम किसान अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर छोटे किसानों में शुमार हो गए हैं। अर्थात कृषि उत्पादन दो अलग अलग गुटों में हो रहा है। एक गुट अपनी जरूरत मात्र का अनाज उगाने वाली छोटी जोतों का है तो दूसरा बड़े खेतों का, जिन्हें कंपनियां खरीद सकें, उनमें पूंजी लगा सकें और मात्र बेचने के लिए उत्पादन करते हुए विश्व के बाजार से जुड़ सकें। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 90 के दशक में भारत, जिसे अंततः नींद से जगाया हुआ शक्तिशाली हाथी कहा जा रहा है, देश के अधिकतर लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। गरीबी के आंकड़ों में भले ही थोड़ा परिवर्तन हुआ हो लेकिन यह बात साफ हो चुकी है कि अधिकांश भारतीयों को योजनाबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से
बिल्कुल काटा जा रहा है।